नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है और सबसे ज्यादा राइट है। आजकल मार्केट में बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिल रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस टॉपिक में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर माधुरी। डॉक्टर माधुरी एक मानी हुई गायनेकोलॉजिस्ट है। थाने में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है माहे, और पिछले करीबन 23 सालों से प्रैक्टिस कर रही है। आइए मिलते हैं डॉक्टर माधुरी से और बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस विषय पे। मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये बहुत तरीके आते हैं आजकल मार्केट में, तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना सेफ है एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए पहले यानी फर्स्ट टाइम अगर कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहा है तो फीमेल के लिए बेटर है यूज करना कि मेल के लिए बेटर है यूज करना? यस यस आई विल गो टू इट। बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल या टू अवॉइड प्रेगनेंसी बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स दैट आर अवेलेबल, लाइक कॉन्डम है, पिल्स है या सर्जरी है, अदर डिवाइसेस है, जो हम मेथड्स यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, उसको कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ऑलमोस्ट 9-10 टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। मैक्सिमम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर फॉर द फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर के लिए ओनली 2 मेथड्स आर देयर, विच इज कॉन्डम्स एंड परमानेंट मेथड वैसेक्टमी। द कॉमनेस्ट ऑफ देम बीइंग द पिल्स, दैट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। द सेकेंड मेथड इज द इंट्रायूटराइन डिवाइस, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और जिसको कॉमन लैंग्वेज में या कॉपर टी कहते हैं। तीसरा जो मेथड है इम्प्लांट, एक कॉन्ट्रासेप्टिव छोटा सा रॉड जैसा इम्प्लांट आता है, हॉर्मोनल इम्प्लांट है, जिसको हम अपर आर्म के स्किन के अंडर उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। वो भी मेथड है जो यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट है, दैट इज ऑल्सो देयर। चौथा जो कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स है वो है इंजेक्शन। ये भी काफी इसमें अपने यहाँ पे यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, जो हार्मोन बेस्ड है, ये सारे हार्मोन बेस्ड रहते हैं। उसके बाद है द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर यूज होता है अपने यहाँ पे। बेसिकली इट इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये समझ में। इसके बारे में मैं बाद में जरूर थोड़ा कहना चाहूंगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। उसके बाद आता है डायफ्रम, जैसे कॉन्डम आता है वैसे ही डायफ्रम आता है। डायफ्रम ऐसे डोम जैसा छोटा सा रहता है जो इसको इंसर्ट करना रहता है वजाइना में अ फ्यू आवर्स बिफोर इंटरकोर्स, और बेसिकली वो बैरियर जैसा कॉन्डम है वैसे ही बैरियर मेथड है, इट विल नॉट अलाउ द स्पर्म्स टू एंटर। और सबसे लास्ट आता है स्टरलाइजेशन, विच इज अ परमानेंट मेथड, जिसको ट्यूबेक्टमी कहते हैं अपने कॉमन इसमें, सो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। सेफ्टी वाइज मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ओवरऑल सेफ, बट हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवांटेजेस और प्रोज और कॉन्स जो बोलते हैं वो होते हैं। बट इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नॉट बी मतलब जो कॉपर टी है, ऐसे पेशेंट को नहीं बिठा सकते जिसको एक भी बच्चा नहीं है। अगर नली पैरस बोलते हैं जिसको अभी तक बच्चा, या जैसे आपने बोला कि नई नई शादी हुई है और जिनको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, शुरू में उनका करियर रहता है, सेटल डाउन होना रहता है, तो पहले 2-3 साल तो वो लोग अवॉइड करते हैं, बट फॉर देम वी विल नॉट एडवाइज कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और कॉपर टी, बिकॉज समटाइम्स जैसे मैंने कहा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ओवरऑल सेफ्टी वाइज इट इज ओके, बट सम पेशेंट्स में उसके वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस, बिकॉज उसको थ्रेड्स रहते हैं नीचे, कभी कभी द थ्रेड्स आर पोटेंशियल कैरियर फॉर इन्फेक्शन, तो कभी कभी अगर उनको वजाइनल इन्फेक्शन है तो दैट मे गेट कैरीड इन टू द यूट्रस, और आगे चल के अगर इन्फेक्शन की वजह से फिर कभी कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी रुकने में आगे दिक्कत हो सके, बट जिनको एक बच्चा है फर्स्ट मेथड वी विल ऑलवेज एडवाइस इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और जैसे आपने कहा यंग गर्ल्स जस्ट मैरिड, उनको जो फर्स्ट चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग देते हैं जो कॉम्बिनेशन पिल्स आते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जिसको कहते हैं हम लोग, एक्चुअली अगर हम देखें तो मैक्सिमम यू कैन टेक इट फॉर एज लॉन्ग एज 5 ईयर्स वो लोग बोलते हैं, बट हम लोग इतना लंबा पीरियड के लिए एडवाइस नहीं करते। दो देर आर नॉट, अगर लो डोज के पिल्स हैं
दे कैन टेक इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑल्सो. लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स में बहुत लॉन्ग टर्म लेने के बाद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिकम सो थिन कि आगे बच्चा रुकने में कभी कभी थोड़ा डिले हो सकता है. मतलब बंद कर दिया और तुरंत प्रेगनेंसी रुक गई, ऐसा कभी कभी नहीं होता है इफ यू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. बट एक हम लोग 1-1.5 साल तक यूज करो एंड देन यू स्टॉप इट करके बोलते हैं, देन यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी. दैट इज द यूजुअल एडवाइस दैट वी गिव टू द गर्ल्स. एक्चुअली ऐसे गर्ल्स में जो है, इंस्टेड ऑफ गिविंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वी ऑलवेज एक्चुअली एडवाइज द मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज द कॉन्डम्स, विच इज द सेफेस्ट सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और इट कैन बी इजिली कैरिड विथ देम. और जब ही उनको समझो सेक्स करना है तो दैट टाइम इज दे कैन यूज इट. बट पिल्स का ऐसे नहीं होता है. पिल्स का एक और डिसएडवांटेज है कि इट्स अ डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब रोज आपको लेना है, वेदर यू हैव इंटरकोर्स और नॉट. वो पिल तो आपको 21 डेज का रहता है तो वो रोज लेना ही पड़ता है. इफ यू फॉरगेट टेकिंग द पिल, 1-2 दिन आप भूल जाते हो, तो वो हॉर्मोन्स जो बेसिकली हॉर्मोनल पिल्स है, तो वो रोज जब आप टैबलेट लेते हो एक ब्लड लेवल बन जाता है हॉर्मोन्स का बॉडी में, एंड दैट बेसिकली अवॉइड्स फॉर्मेशन ऑफ द एग. So that is the action of the contraceptive pills. लेकिन अगर आप भूल जाते हो एक हाथ दूसरा पिल लेना, तो द हार्मोनल लेवल इन द ब्लड फॉल्स डाउन और एग फॉर्मेशन हो सकता है, एंड दैट विल कॉज प्रेगनेंसी अगर वो टाइम पे आपका रिलेशन आता है तो. सो कॉन्डम एक्चुअली फॉर दीज गर्ल्स इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट मेथड, क्योंकि वो रोज उनको गोली नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ रिलेशन हुआ तब वो कॉन्डम आपको यूज करना है. एंड अगर बराबर से यूज करे तो इट हैज ऑलमोस्ट 99% स्पेसिफिसिटी और प्रोटेक्शन उससे मिल जाता है. बाकी जैसे मैंने आपको कहा, अदर मेथड्स में जो है इम्प्लांट्स आती हैं जो स्किन के अंडर, उसको छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में वो इंसर्ट करना रहता है, उसका भी वो रहता है जितना साल का वो है उतना साल तक रख सकते हैं, बाद में उसको निकालना है, ऐसा है. और इंजेक्शन जैसे मैंने बोला, वो भी एक्चुअली इंजेक्शन इज बेस्ट एडवाइस टू लेडीज जिनका जस्ट डिलीवरी हुआ है, तो उनको हम लोग वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है वो उनको एडवाइस करते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनका ब्रेस्ट फीडिंग शुरू रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन पिल, सिंपली ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल विल नॉट डिक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो इसके लिए उनको हम लोग वो ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल बोलते हैं, या फिर वो इंजेक्शन जो बोलते हैं जो every 3 months में लेना रहता है. तो वो भी एक चीज है. तो 3 months तो समझो आपको साल भर या 2 साल तक आगे बच्चा नहीं चाहिए, तो उतना इंजेक्शन every 3 months आप दे सकते हैं पेशेंट को. हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव को एक्चुअली थोड़ा बहुत फेलियर रेट होता ही है, ओनली परमानेंट मेथड जो है दैट इज हाँ मतलब तो कंप्लीट स्टरलाइजेशन ऐसा है. जैसे आपने अभी बोला कि हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव का पॉजिटिव इफेक्ट्स भी रहता है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहता है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यही जानना चाहूंगी कि अगर किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है, स्पेशली फीमेल जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है, शादी के तुरंत बाद उसने हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना शुरू कर दिया है, तो उसके बिल्कुल. साइड इफेक्ट्स किस हद तक हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं हम बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो सी अभी जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेते हैं तो दे आर हार्मोनल पिल्स. सो हार्मोनल पिल्स की वजह से मैक्सिमम पेशेंट्स को, मैक्सिमम मतलब जिनको अगर कोई इफेक्ट्स हो या साइड इफेक्ट्स हो, तो मैक्सिमम वो होता है कि उनको नौशिया मतलब जी मचलना या थोड़ा सा चक्कर आना, एसिडिटी इज अ कॉमनेस्ट इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कभी कभी क्या होता है उनको वो एडजस्ट होने में भी कुछ समय लग जाते हैं, बट किसी किसी पेशेंट को इतना ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन और एसिडिटी हो जाता है तो हमको स्टॉप भी करना पड़ता है. बट दैट इज पर्सन टू पर्सन, सबको होता ही है ऐसा नहीं. 95% पेशेंट्स को कुछ नहीं होता है, दे कैन सेफली टेक द पिल. ओनली थिंग कि उनको रोज रात को बिना भूले लेना है, दैट इज वॉट पिल्स का वही एक है कि आप उसको यू कैन नॉट फॉरगेट टू टेक द पिल, नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा एंड देन प्रेगनेंसी रुक सकती है. लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनको अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस मतलब वेन्स में ब्लड क्लॉट की वगैरह कुछ इश्यूज है, तो उनको, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो
तो उनको हम लोग पिल्स अवॉइड करते हैं, मतलब एडवाइज नहीं करते बिकॉज वो बढ़ सकती है प्रॉब्लम्स। साइड इफेक्ट में कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि जो बच्चा है आफ्टर स्टॉपिंग द पिल्स और आफ्टर स्टॉपिंग सच कॉन्ट्रासेप्टिव विच अ फीमेल इज यूजिंग, बच्चे में कोई प्रकार का डिसऑर्डर या कुछ तो नहीं आता है? नो, लेट ऐसी प्रेगनेंसी तो बाद में रहती है आफ्टर यू स्टॉप द पिल्स, बट उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक द पेशेंट कंसीव्स व्हाइल टेकिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसे मैंने कहा अगर वो भूल जाते हैं बीच में खा दूसरा पिल और उसमें कंसीव हो जाते हैं, दे आर बेसिकली इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल ही रहते हैं। जनरली दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बेबी, इवन व्हाइल शी हैज कंसीव्ड व्हाइल टेकिंग द पिल भी इफ दे वांट टू कंटिन्यू दे कैन कंटिन्यू। ऑफ कोर्स हम लोग आगे सोनोग्राफी है वो उसमें सब देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। देखिए कि पेशेंट ने कभी वो पोस्टपोनमेंट के लिए पिल्स ली है या प्रीपोनमेंट के लिए ली है एंड शी हैड ऑलरेडी कंसीव्ड बिफोर टेकिंग द पिल, तो वो भी टैबलेट्स कभी कभी दे डोंट हार्म सो मच, दे कैन स्टिल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी अगर ऐसे इसमें भी वो कंसीव हो गए हैं। आफ्टर यू स्टॉप द पिल्स और उसके बाद कंसीव हो जाती है तो उसके बाद मतलब कोई बेबी पे इफेक्ट नहीं होता। Is there any age limit to take the pill? आजकल जो है द यंग जनरेशन, नॉट आर टॉकिंग अबाउट द यंग मैरिड गर्ल्स बट द अनमैरिड गर्ल्स ऑल्सो, आजकल क्या है कि 12-13 साल के बाद जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, आजकल इन लड़कियों का और वॉट एवर यंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स का उनको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनका जो है वेरी अर्ली इन लाइफ दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव। आजकल वी हैव सीन कि वी हैव वेरी यंग गर्ल्स कमिंग टू अस विथ प्रेगनेंसीज, अनमैरिड गर्ल्स कमिंग टू अस विथ प्रेगनेंसीज बिकॉज दे हैव बिकम सेक्सुअली एक्टिव वेरी अर्ली इन लाइफ, मतलब कॉलेज शुरू होते ही मोस्ट ऑफ देम मतलब 15-16 साल की उम्र में दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव। इनको तो बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्टिव उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज एटलीस्ट दे कैन बाई, सी वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग सेक्सुअली एक्टिव बट वी कैन ऑलवेज गाइड देम एंड काउंसिल देम रिगार्डिंग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और जो उनके लिए सेफ है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर द सेफेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और उनको बोलना जरूरी है। सेकेंडली मैं आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बहुत बहुत मतलब जैसे हम चना फुटाना खाते हैं तो वैसे आजकल की लड़कियां इसको लेती है। द मैरिड गर्ल्स है, अनमैरिड गर्ल्स है, एवरीबडी जस्ट वॉन्ट टेक इट बिकॉज उनको नॉलेज नहीं रहता है। एड्स आती हैं टीवी पे अबाउट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉमनेस्ट इज द आई पिल और द अनवॉन्टेड 72 जो टैबलेट्स आती हैं, बट उसके बारे में लोगों को जानना जरूरी है कि दे आर वेरी हाई डोज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और उसको ऐसे ही विदाउट एडवाइस नहीं लेना चाहिए और उसका इफेक्ट भी वो बोलते हैं 72 आवर्स तक है, बट इफ यू टेक इट इमीजिएटली, अगर अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हो और आपको लगा कि वो कुछ टेयर हो गया है या स्पिल हो गया है तो ही देन यू कैन यूज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और इमीजिएटली यूज करोगे तो उसका इफेक्ट गुड रहता है। बट अगर आप 24 जैसे वो बोलते हैं कि अनवांटेड 72 मतलब 72 आवर्स तक आप कभी भी ले सकते हो तो ऐसा नहीं है, आप जितना लेट लोगे उतना उसका फेल होने का चांसेस मैक्सिमम है और उसको मतलब एकाध बार कभी 6 महीने में एकाध बार लेना पड़ा तो इट इज ओके, एवरी नाउ एंड देन अगर लेंगे तो बिकॉज दे आर वेरी हाई डोज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो इतना हाई डोज लेने की अगर बार बार लेते रहोगे तो फिर वो आपका साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत हार्मोनल इरेगुलरिटी आके फिर आपको आगे कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड्स की इरेगुलरिटी की वजह से कभी भी ब्लीडिंग हो रहा है या 4-4 महीना नहीं हो रहा है या हर 15 दिन में हो रहा है तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द लेडीज और द गर्ल्स कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम में ही इट इज फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज नॉट टू बी यूज्ड एवरी नाउ एंड देन, तो वो बहुत केयरफुली यूज करना रहता है बिकॉज इट इज वेरी हाई डोज।
वो भी मैं बोलना चाहती हूँ कि वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर नहीं लेना है उसको, एंड विथ मेडिकल प्रॉपर एडवाइस लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी सरलता से दी है कि किसी के लिए भी समझना बहुत आसान हो जाएगा, एंड दिस इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. थैंक यू फॉर यस शेयरिंग योर टाइम एंड योर यस नॉलेज. यस दैट इज माय प्लेजर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी रचना, एंड आई एम ऑलवेज देयर व्हेन एवर यू रिक्वायर। थैंक यू सो मच. या सो दोस्तों, चल हम इसी तरीके से आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, नए लोगों को मिलवाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.